प्रश्नावली 6.3 का चौथा सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीन तो पढ़ लिए, चौथा पढ़ रहे हैं। इसमें यदि रेखाएं पी क्यू है और आर एस बिंदु टी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, देखो कौन सी है, पी और क्यू है और आर एस इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, और ये टी पर प्रतिच्छेद करती है, किस पर, टी पर, ठीक है। उसके बाद में यदि दिया गया पी आर टी बराबर कितना है, 40 डिग्री, यानी पी आर टी बराबर कोण कितना का है, 40 डिग्री, और आर पी टी, आर पी टी कितने डिग्री का है, 95 डिग्री का है। उसके बाद में और टी एस क्यू, यहाँ पर टी एस क्यू है, ये कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है एस क्यू टी, यानी एस क्यू टी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर देखें, दो त्रिभुज बन रहा है, बन रहे हैं दो त्रिभुज, कौन से, पी आर टी और एक बन रहा है एस पी क्यू, ये दो त्रिभुज आपस में दो बन रहे हैं, ठीक है, दो प्रतिच्छेद रेखा करती है और दोनों पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर देखें, दो एक त्रिभुज है, दो भुजे, दो कोण हमें दे रखा है, दे रखा है, एक कोण ये दे रखा, एक कोण ये दे रहा। उसके बाद में ये कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये कोण ज्ञात करेंगे, उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण से है, ये कोण हमें प्राप्त होगा, उसके बाद में दो कोण मिल जाएंगे, तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। कौन कौन से कोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज लें, त्रिभुज पी आर उसके बाद में टी, पी आर टी में कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण टी बराबर कितना होता है, 180, ठीक है। कोण पी का मान कितना है, 95 डिग्री, कितना है, 95, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 95 डिग्री प्लस, और कोण आर का मान कितना है, 40 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40, उसके बाद में प्लस कोण टी का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम टी का कोण मान रखेंगे, तो यहाँ पर कोण टी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 0 और 5 कितने होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5, यहाँ पर 4 और 9 कितने होते हैं, 13 होते हैं, कितने होते हैं, 13, प्लस कोण टी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पर कोण टी बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 135 हो गए, क्योंकि इसको हम इधर से पक्षांतरण करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कोण टी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 5 गए, पीछे कितने बचे, 5 बचे, कितने बचे, 5, यहाँ पर बचा कितना, 7, 7 में से 3 जाता है, पीछे कितना बचता है, 4, यानी कोण टी का मान कितना आया, 45 डिग्री, यानी इसका मान कितना आया, 45 डिग्री। इसका मान 45 है, तो ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये एक्स में बढ़ने वाले कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोण पी टी आर, कोण पी टी आर बराबर कोण एस टी क्यू, यहाँ पर कोण एस टी क्यू, ठीक है, बराबर है, क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, कोण है, ठीक है। ये कोण कितने डिग्री का निकाला हमने, 45 डिग्री का, तो यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। उसके बाद में हमें कौन कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला एस क्यू टी, यानी एस क्यू टी वाला, ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करते हैं, यहाँ क्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ देखें त्रिभुज कौन सा है, एस टी क्यू, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एस टी और क्यू में कोण एस प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। कोण एस का मान कितना दिया गया है, 75 डिग्री, कितना दिया गया है, 75 डिग्री। कोण टी का मान अभी हमने निकाला था शीर्षाभिमुख कोण से, कितना डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है, और कोण क्यू का मान हमें निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर कोण क्या कितना हो जाएगा, कोण क्यू का, कोण क्यू
बराबर कितना हो जाए 180। अब 45 और 75 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, पाँच पाँच कितने हो जाएंगे 10, अंशिल लगी है एक अंशिल और चार, पाँच पाँच और सात कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 120 डिग्री प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180, और कोण क्यू बराबर 180 माइनस 120, 180 में से 120 करते हैं पीछे कितना बचता है 60 डिग्री, कितना बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये 60 डिग्री कोण किसका है, क्यू का मान है, ठीक है। तो हम पूरा भी लिख सकते हैं कोण एस क्यू टी, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। कोण कौन सा एस क्यू टी, एस क्यू टी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।